हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जो हमारा इकोनॉमिक्स का सीरीज स्टार्ट हुआ, इसमें कि मैं सारे इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कम कराऊंगा आप सबके, जो भी कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम होती है, जितनी स्टैटिक पोर्शन है पहले वो हम लोग कंप्लीट करेंगे इकोनॉमिक्स के स्लोली स्लोली, और फिर हम लोग डायनेमिक पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो ये सीरीज है इसमें पहले कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने GDP GNP वगैरह सब बताई थी, तो आज मुझे लगा कि उससे पहले मुझे कुछ बेसिक्स बता देने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, मैंने उस वीडियो में नहीं बताई, तो मैं आज उसे बता देना चाहूंगा कि जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं क्या होती, इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स के सिस्टम्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होते हैं, सब जो बेसिक इकोनॉमिक्स से कोई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मैं आज आप सबको वो बता दूंगा। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगा हमारा उसमें हम लोग आपकी जो भी बैंकिंग है इंडिया में, मॉनिटरी सिस्टम्स है, बैंकिंग सिस्टम्स है, वो सबको आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो चलिए अब देखते हैं क्या इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स जनरली जो हम लोग जो पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स, वो दो तरह का होता है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो MI माइक्रो, इसका मतलब ये होता है स्मॉल, और MI माइक्रो का मतलब ये होता है लार्ज। ठीक है, तो आप मतलब से ही समझ सकते हो, इकोनॉमिक्स जो एक स्मॉल चीज को डील कर रहा है, एक स्मॉल यूनिट को डील कर रहा है, और माइक्रो में वो इकोनॉमिक्स होगा जो लार्ज यूनिट को डील कर रहा है। तो जनरली हम लोग माइक्रो को कहते हैं कि जो सिंगल यूनिट को डील कर रहा है, और माइक्रो का मतलब क्या होता है, जो होल यूनिट को डील कर रहा है। अब समझ नहीं सकते, मान के चलो ये हमारी कंट्री है, ठीक है, शायद कंट्री में एक एग्जांपल समझा रहा हूं, सो इंडस्ट्री है, तो जो अगर वो एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, वो एक इंडस्ट्री की बात हो रही है, एक किसी चीज की बात हो रही है, एक फैमिली की इनकम की बात हो रही है, या फिर एक हाउसहोल्ड की बात हो रही है, तो जो एक दो यूनिट की बात हो रही है, स्मॉल यूनिट्स की जो बात हो रही है, जैसे इंडस्ट्री से समझो, अगर एक इंडस्ट्री की बात हो रही है तो अगर इस इंडस्ट्री की जितनी भी इकोनॉमिक्स हम डील करेंगे क्या हो जाएगा, माइक्रो। और जब हम ओवरऑल जितनी इंडस्ट्रीज है सबको साथ में लेके डील करेंगे तो वो क्या हो जाता है, मैक्रो। समझ रहे हो, पूरे होल यूनिट जो इंडस्ट्रीज की वो आ जाएगी आपको माइक्रो में। अगर हम सिंगल एक इंडस्ट्री के यूनिट को डील कर रहे हैं, उसके इकोनॉमिक्स को समझ रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगी, माइक्रो में, MI में। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मेजर डिफरेंस क्या होता है माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई। अब इसमें जो थ्योरी रहता है दैट इज कॉल्ड प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स किस पे चलता है, प्राइस थ्योरी पे, और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस पे चलता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पे। क्योंकि ये ओवरऑल किसको डील कर रहा है, पूरी इकोनॉमिक्स को डील कर रहा है, होल यूनिट को, तो इसमें इनकम और एम्प्लॉयमेंट जो है, होल यूनिट मोर इंपोर्टेंट हो जाता है। सिंगल यूनिट पे डील कर रहा है तो उसकी प्राइसेस पे वो ज्यादा फोकस्ड रहता है, सिंगल यूनिट की क्या इनकम है, सिंगल यूनिट की क्या प्राइसेस है, तो जनरली इसको हम लोग प्राइस थ्योरी से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी से। और इसमें जनरली इसलिए प्राइस थ्योरी से डील करते हैं क्योंकि इसमें क्या ये डील करता है, इंडिविजुअल प्राइसेस को, क्योंकि देखिए सिंगल एक इंडिविजुअल इंडस्ट्री से यहाँ पे डील कर रहा है, तो क्या इंडिविजुअल प्राइसेस को ये डील करता है, और माइक्रो क्या डील करता है, नेशनल इनकम को, ठीक है, होल यूनिट की इनकम, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड नेशनल इनकम। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में, अगर यूपीएससी के लिए जो हम पढ़ते भी, आप जानते हैं कि हम लोग ज्यादा फोकस्ड किस पे रहते हैं, मैक्रो पे इंस्टेड ऑफ माइक्रो, क्योंकि आप सिंगल इंडस्ट्री की इकोनॉमिक्स वगैरह समझने से अच्छा है कि आप पूरी कंट्री को इकोनॉमिक्स को समझो, क्योंकि उससे यूपीएससी में ज्यादा क्वेश्चन आएगा, बट ये दोनों का एक ओवरऑल बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसे बताया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं, तो जनरली हम लोग इकोनॉमिक्स को ओवर जो ब्रॉड कैटेगरी में तीन सेक्टर्स में देखते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर, एक और सेक्टर है जिसके बारे में मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, दैट इज क्वार्टरनरी सेक्टर, तो यहां पर लिख देता हूं क्वार्टरनरी सेक्टर। तो जनरली जो ये क्वार्टरनरी सेक्टर है, तो इसको हम लोग ओवरऑल काफी जगह आप देखेंगे कि इसे टर्शियरी सेक्टर के एक टाइप में ही देखा जाता है, टर्शियरी सेक्टर के अंदर ही देखा जाता है, तो इसलिए मैं इसको अलग नहीं लिख रहा हूँ,
तो बट अब समझने के लिए आपको इसको भी समझा दूंगा, क्वार्टरली सेक्टर को भी। अब देखिए प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को डायरेक्टली यूज करे। प्राइमरी सेक्टर्स दैट इज व्हिच द सेक्टर व्हिच यूजेस आवर नेचुरल रिसोर्सेस डायरेक्टली, डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या हमारे नेचुरल रिसोर्सेस का डायरेक्ट यूज हो रहा है। फॉर एग्जांपल क्या होगी, हम सब जानते हैं एग्रीकल्चर हमारा मेजर प्राइमरी सेक्टर है। अब सेकेंडरी सेक्टर क्या हो गया, जो ये जो नेचुरल रिसोर्सेस मिले ठीक है, डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस कर रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस चीज की, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम लोग, मैन्युफैक्चरिंग स्लैश इंडस्ट्रियल सेक्टर ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट यूज हो रहा है नेचुरल रिसोर्सेस का, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उस नेचुरल रिसोर्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ठीक है। मान के चलो यहाँ पे सीधा क्या कोल निकल गया ठीक है, या फिर एग्रीकल्चर के कुछ प्रोडक्ट्स है, अब उसको हम लोग यहाँ मैन्युफैक्चरिंग में लेके जा रहे हैं, उसको मैन्युफैक्चर करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया सेकेंडरी सेक्टर में आ गया। उसके बाद थर्ड क्या, टर्सरी सेक्टर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं सर्विस सेक्टर, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है हाई सर्विसेस, जो भी सर्विस है हमारा सर्विस, जैसे कि क्या सर्विस, क्या क्या सर्विस हमें प्रोवाइड कर सकता है, जैसे एडुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, टूरिज्म हो गया, ये सब इस सर्विस सेक्टर के अंदर आती है ठीक है। अब देखिए यहाँ समझने की कोशिश करो, क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है, जो जो एक मेज एक अबव लेवल अपर लेवल जॉब सॉरी अपर लेवल जॉब्स होते हैं, जैसे कि सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, या फिर कुछ हाई लेवल रिसर्च साइंटिस्ट हो गए, रिसर्च गवर्नमेंट सेक्टर, ये सब किस्मत है क्वार्टरनरी सेक्टर, जो कि हमारे कंट्री के रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काफी ज्यादा उनका रोल होता है, हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, तो उसको हम लोग किसमें कहते हैं क्वार्टरनरी सेक्टर में। अब देखिए अगर आप जनरली से हम लोग टर्सरी सेक्टर का एक टाइप ही लेके चलते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया हुआ है। अब देखो एक तरह से समझो आप, अब देखिए जीडीपी की बात हो रही है, तो प्राइमरी सेक्टर का कितना परसेंट होता है जीडीपी में कॉन्ट्रीब्यूशन, 14% आप लोग, 14-15% मैं ओवरऑल लेके इसलिए चल रहा हूँ, चेंज होते रहता है, जान ही रहे हो। अगर आप सेकेंडरी सेक्टर के जाओगे तो इसमें कितना रहता है, अराउंड 29-30% ये जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर आप टर्सरी सेक्टर में जाओगे तो कितना मिलेगा आपको, अराउंड 55% तक टर्सरी सेक्टर में जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, और ये सेक्टर काफी कम था, एक टाइम था अगर आप इंडिपेंडेंस के बाद देखोगे तो मोर देन 50% जो है जीडीपी का हमारा प्राइमरी सेक्टर से था ठीक है। पर जिस तरह से एलपीजी रिफॉर्म्स आए और उसके बाद धीरे धीरे हमारी जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ी, और फिर जो इजी हो गया इंडिया में, जैसे आउटसोर्सिंग काफी ज्यादा हुई इंडिया में, जिस वजह से सर्विस सेक्टर इंडिया का काफी ज्यादा ग्रो किया, और अभी इट इज द लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी। तो ये सारी चीजें ओवरऑल आपको आइडिया रहनी चाहिए, और आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कैसे प्राइमरी सेक्टर एक टाइम पे जहाँ 50% था, अभी कितना बचा हुआ है, अराउंड 14-15%, तो आप ये देख सकते हो। और अब देखिए अब एक चीज और मैं यहाँ पे आपको फैक्ट ऐड कर देता हूँ, जो कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाते हैं, जो प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए वर्कर्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रेड कॉलर वर्कर, रेड कॉलर वर्कर। जो सेकेंडरी सेक्टर से जुड़े होते हैं हम क्या कहते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर, ब्लू कॉलर्स। टर्सरी सेक्टर से जुड़े होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स। और जो क्वार्टरनरी सेक्टर से जुड़े होते हैं हम लोग क्या कहते हैं, गोल्ड कॉलर वर्कर्स। तो ये जानने के लिए आपको पता होनी चाहिए। तो ये हो गए सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, जो मेजर तीन सेक्टर्स हैं, और उसके क्वार्टरनरी सेक्टर को मैंने अच्छे से बता दिया, ये ओवरऑल नॉलेज आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब बढ़ते हैं हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम्स ठीक है। अब इकोनॉमिक सिस्टम्स भी तीन टाइप की होती है, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी होती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी क्या होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, वेरी गुड। अब देखिए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का दबदबा रहता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हो गए उनका दबदबा रहता है, जैसे कि आपका यूएसए हो गया,
जापान हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब प्राइवेट प्लेयर्स का दबदबा, कॉम्पिटिशन अधिक आपको देखने को मिलेगा इन सेक्टर यहाँ पे। फिर आता है सोशलिस्ट सेक्टर, जहाँ पे किसका दबदबा चलता है, गवर्नमेंट सेक्टर का, यहाँ पे गवर्नमेंट मोनोपोली होती है। हालांकि यहाँ पे आपको देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि आप देखोगे दोनों के मेरिट और डिमेरिट क्या है, गवर्नमेंट पे सोशलिस्ट सेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जैसे चाइना हो गया, रसिया हो गया, यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब क्या है देखो, प्राइवेट पे अगर आप छोड़ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, हालांकि प्राइवेट पे हालांकि वो कॉम्पिटिशन अधिक होगा, सब कुछ अधिक होगा, पर वहां पे क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर्स का दबदबा होगा तो गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत कम है। आप चले जाओ यूएसए में, काफी कम गवर्नमेंट कंट्रोल है। सोशलिस्ट सेक्टर में गवर्नमेंट कंट्रोल अधिक है, गवर्नमेंट की मोनोपोली अधिक है। पर उसके बाद आप यहाँ देखोगे तो क्या फायदे आपको देखने को मिलेंगे सोशलिस्ट सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट का कंट्रोल अधिक है, तो जितने भी प्राइसेस वाइसेस है सब कंट्रोल में, गवर्नमेंट अपने हिसाब से डील करती है, टैक्स लेती है, उसके हिसाब से काम करती है गवर्नमेंट, ऐसे टैक्स कैपिटलिस्ट में भी लेती है, ऐसा नहीं कि नहीं लेती है, पर इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो सब पीपल के लिए गवर्नमेंट लाते रहती है, तो ये सारी सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट सेक्टर्स की ये है। तो अब क्या हुआ कि दोनों में वर्सेस चल रहा है कि कैपिटलिस्ट अच्छा कि सोशलिस्ट, यूएस वर्सेस रशिया टाइप से हो गया, ठीक है, कैपिटलिस्ट सेक्टर अच्छा है कि सोशलिस्ट सेक्टर अच्छा है। तो उसके बाद जो कुछ कंट्रीज जो लेटर टाइम में डेवलप हुए, उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि भाई दोनों में पॉजिटिव्स हैं, दोनों में नेगेटिव्स हैं, उससे अच्छा दोनों के पॉजिटिव्स के लोग क्या बना दो, मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का रोल होता है। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स भी देखेंगे प्लस गवर्नमेंट, और यू कैन से पब्लिक प्लेयर भी, जैसे गवर्नमेंट का भी अच्छा रोल है और प्राइवेट का भी अच्छा रोल है, दोनों कोऑपरेट करके चल रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे इकोनॉमी जो डेवलप हुए लेटर पार्ट ऑफ टाइम में, ये क्या क्या, जैसे इंडिया हो गई, पाकिस्तान हो गई। और चलिए आपको एक होमवर्क देता हूँ, और इसके अलावा क्या प्राइवेट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी, सब आप एग्जाम्पल्स मुझे बताओगे कॉमेंट करके, ओके, दिस इज योर होमवर्क। तो ऐसे क्या हो, देखिए आप इस तरह से ये सारी चीजें थी, इंडिया क्या डेवलप, इंडिया में क्या डेवलप हो गया, मिक्स्ड इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, तो आपको मैंने समझा दिया। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थे इकोनॉमिक्स के, जो मुझे शायद फर्स्ट लेक्चर में बता देना चाहिए था, पर मैंने वहां पे जीडीपी वगैरह बता दी, तो खैर उसमें उतनी डिटेल में ये सब चीजों की जिक्र नहीं थी, पर आगे चल के जो भी मैं लेक्चर्स बताऊंगा उसमें जिक्र होगी, इसलिए मैंने इन सब चीजों को, जो बेसिक्स है इकोनॉमिक्स, क्लियर होनी चाहिए। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आप इकोनॉमिक्स पूरा माथा पकड़ते रह जाओगे, मैं सीरीज का नाम रख दूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ही नहीं, इसलिए मैं बेसिक्स पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ताकि आपको स्टैटिक की जो बेसिक पोर्शन है वो अच्छे से समझ में आए, फिर हम लोग धीरे धीरे करंट अफेयर और एडवांस स्टेजेस में जाएंगे। सो अगर आप ऐसे समझोगे तो इकोनॉमिक्स इज वेरी इजी, आप काफी मजा आएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। दैट इज ऑल फॉर टुडे, प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब, काफी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस को रेगुलर बेसिस पे आपसे प्ले बनाने के लिए, और अगर आप लाइक से सब्सक्राइब करते हो तो काफी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज आपसे के लिए बनाते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।